हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 5th of August। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2023 समिट इज़ गोइंग टू हेल्ड इन विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिक्स 2023 सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होने जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिक्स 2023 समिट का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ऑन थर्सडे एंड कन्फर्म्ड हिज पार्टिसिपेशन इन द ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग ऑन August 22-24। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स इज अ ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एम ऑफ MASI पोर्टल डेवलप्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित माशी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं मॉनिटरिंग चाइल्ड केयर होम्स, मॉनिटरिंग हरेसमेंट केसेस अगेंस्ट वुमेन, मॉनिटरिंग पोस्को केसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, MASI पोर्टल ये संबंधित है मॉनिटरिंग चाइल्ड केयर होम्स से। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने डेवलप किया है एन एप्लीकेशन जिसका नाम है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंस्पेक्शन। इस ऐप की बात करें तो दिस ऐप इज़ लिंक्ड टू द मॉनिटरिंग पोर्टल वेयर द ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स आर जनरेटेड एंड इट सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू रिसीव प्रेस्टिजियस डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न 2023। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। आपके ऑप्शन हैं मृणाल ठाकुर, कियारा आडवाणी, शोभिता धूलीपाल या फिर आलिया भट्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में। सो रिनाउंड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इज ऑल सेट टू बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द अपकमिंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न एंड दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेस हर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अक्रॉस डाइवर्स रोल्स एंड लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये 14th एडिशन है इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, जिसका आयोजन किया जाएगा 11th of August से 20th of August तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री वन द हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है, 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस देश ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, जर्मनी, कोलंबिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीतने वाला देश है भारत। द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इज अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट एंड विनिंग अ गोल्ड मेडल एट दिस कॉम्पिटिशन इज अ टेस्टमेंट टू द स्किल एंड डेडिकेशन ऑफ द इंडियन वुमेन्स कंपाउंड टीम। और ऐसा पहली बार है जब इंडियन वुमेन्स कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। सो दिस अचीवमेंट इज लाइकली टू इंस्पायर अदर इंडियन एथलीट्स एंड बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ आर्चरी इन इंडिया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में नैक कहते हैं. आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है. आपके ऑप्शन हैं शिव कुमारन, एम सुरेश, गणेशन कन्नावीरन या फिर भास्कर भट्ट. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. हाल ही में गणेश कन्नावीरन को डायरेक्टर नियुक्त किया गया है नैक का. सो प्रोफेसर गणेशन कन्नावीरन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इन बेंगलुरु कर्नाटका. इनके बारे में और बात करें तो अर्लियर ही वॉज द फॉर्मर डीन ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंसी एंड डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु. इन्होंने रिप्लेस किया है प्रोफेसर एस सी शर्मा को हु सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ नैक फ्रॉम मे 2018 टू मे 2023. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हें जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल या IPCC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. आपके ऑप्शन हैं जिम स्की, जेन स्मिथ, जॉन विलियम्स या फिर एमिली जॉनसन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. हाल ही में जिम स्की को IPCC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रोफेसर जिम स्की अ यूके नेशनल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द IPCC द ग्लोबली अथॉरिटी जो कि एक ग्लोबली अथॉरिटेटिव UN बॉडी है ऑन द क्लाइमेट चेंज साइंस. जिम स्की की बात करें तो ही इज एक्सेप्शनली वेल क्वालिफाइड टू सर्व इन दिस प्रेस्टिजियस रोल एंड ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्क ऑफ IPCC फॉर नियरली 30 ईयर्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द आयुष वीजा. आपसे पूछा जा रहा है आयुष वीजा के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर NRI कमिंग फॉर आयुष मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया. सेकेंड द मेन एम ऑफ द आयुष वीजा इज टू प्रमोट आयुर्वेदिक एंड अदर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. आप ध्यान रखेंगे आपसे आयुष वीजा के संबंध में गलत कथन पूछा गया है. और इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी. यहाँ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आयुष वीजा हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट फॉर फॉरन नेशनल्स कमिंग फॉर आयुष मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया एंड द आयुष वीजा कैटेगरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द फॉरन नेशनल्स कमिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स लाइक थेरापेटिक केयर, वेलनेस एंड योगा इन इंडिया. और आयुष वीजा का मेन एम है टू प्रमोट आयुर्वेदिक एंड अदर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.